हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनस्पति दर्शन और फ़ायदे। आज हम आपके लिए वनस्पति दर्शन और फ़ायदे में लेकर आए हैं अरबी। अरबी जिसकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, सभी इसको खाना पसंद करते हैं। तो जो लोग इसको खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आज मैं आपको इसके विशेष औषधीय गुणों से अवगत कराऊंगी। तो आप उसको देखकर, मुझे लगता है कि ये जानकर कि इसमें ये विभिन्न तरह की बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है, इसको जानकर आप इसको खाना प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि अरबी हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, अरबी का सेवन करने से जो माएँ होती हैं जिनको अपने बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, तो उनको अरबी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। यह उनके स्तनों में दूध को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उनको अरबी की सब्जी का सेवन करना चाहिए, इससे उनके स्तनों में दूध की मात्रा कम नहीं रहेगी। दिल के रोगों को दूर करने के लिए अरबी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अपने हार्ट को मजबूत बनाने के लिए आपको अरबी का सेवन, अपने भोजन में अरबी को शामिल करना चाहिए, ताकि आप अपने हार्ट को तंदुरुस्त बना सकें। अगर आपका हार्ट तंदुरुस्त रहेगा, तो आप और भी विभिन्न तरह की बीमारियों जैसे कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम तथा और भी तरह तरह की बीमारियां जो हार्ट से संबंधित हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारा हार्ट कमज़ोर होने पर हमें हो जाती हैं, तो आप उनसे भी दूर रहेंगे। बालों के लिए भी अरबी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अरबी को पीस कर आप अपने बालों पर लगाइए, ये आपके बालों को मुलायम बनाए रखती है। अरबी हमारे पेट में गैस को ख़त्म कर देती है, जो कब्ज बनता है उससे निजात देती है। तो गैस की समस्या होने पर भी आपको अरबी का सेवन करना चाहिए। अरबी हमारे जोड़ों के दर्द को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। बूढ़े व्यक्ति अक्सर जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान होते हैं, तो उनको अरबी को घिसकर अपने जोड़ों पर अच्छे से मालिश करनी चाहिए, और इससे वो जोड़ों के दर्द से निजात पाएंगे। काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, ताकि इसको पीसने में आसानी हो। इसको पीस कर इसका लेप बना लीजिए। किसी कीड़े के, जहरीले कीड़े के काटने पर आप इस लेप को उस जगह पर लगाइए, ये उस जलन को, उस कीड़े के काटे हुए की जलन को भी शांत करता है, और इसी के साथ साथ उस जहर को भी दूर करने में मदद करता है। अगर शरीर कहीं से जल गया है, तो उसकी जलन को शांत करने के लिए भी लेप बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस लेप का आप प्रयोग कर सकते हैं जले हुए पर लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि और सुना कि हमारे लिए अरबी किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, और ये शरीर की विभिन्न बीमारियों को किस तरह से दूर करने में हमारी मदद करती है। तो आई एम श्योर अब आपने निश्चय कर लिया होगा कि आप अरबी का प्रयोग करेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। इसी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़िए, और इसके लिए आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए रेड निशान द्वारा, जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उससे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और भी विभिन्न तरह की महत्वपूर्ण औषधि और वनस्पतियों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। इसी के साथ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इन वनस्पतियों और औषधियों। फ्रेंड्स, आप कमेंट द्वारा हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट्स द्वारा पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। हम आपके कमेंट्स का बहुत जल्द ही रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे तथा आपकी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।